गिरिराज गोवर्धन की बोले श्री हरिदेव की जय जय श्री राधे। यहाँ के बारे में कुछ बोल सकते हैं हमारे भक्तों में कोई है दूसरा बोल हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में अभी परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है हरिदेव मंदिर। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कृष्ण के परपौत्र बज्रनाथ, उन्होंने कई विग्रहों की स्थापना करी थी, उनमें से मुख्य चार देव हैं। कौन कौन से? हम लोग गए थे कल कामा, वहां पर श्री गोविंद देव जी, वृंदावन में भी हमने जो गोविंद देव दर्शन किए ये पहले देव हुए। उसके बाद में जो मथुरा है, मथुरा के अंदर उन्होंने स्थापित किए श्री केशव देव, ठीक है। उसके बाद में गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज जी में जहाँ आए ये है श्री हरिदेव, और एक ठाकुर हुए बलदेव, जहाँ हम गए थे गाँव जी में वो हुए बलदेव जी। तो ये मुख्य चार देवों की स्थापना करी थी श्री बज्रनाथ जी ने, उसमें से एक प्रमुख है ये हरिदेव जी। कहते हैं हम जब यहाँ पर आए हैं गिरिराज गोवर्धन में तो यहाँ की परिक्रमा हम दे रहे हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। परिक्रमा के साक्षी हैं ये हरिदेव जी। अभी जब कीर्तन कर रहे थे ना, जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे, ये जो कीर्तन है इस कीर्तन के अंदर भी श्री हरिदेव ठाकुर का अर्थात इन ठाकुर जी की और श्रीमती राधा रानी की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। आप देखोगे यहाँ पर जो दर्शन है, दर्शन में ठाकुर जी किस प्रकार खड़े हैं, जैसे गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ने जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन धारण किया था वही दर्शन है यहाँ पर। जब इंद्र ने सब समय हर साल ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा क्यों करते थे, वर्षा इत्यादि हो इस वजह से। एक दिन कृष्ण जब वो 7 वर्ष हो गए तो उन्होंने पिताजी के साथ में तर्क करते हुए, पिताजी के साथ में उन्होंने देखा कि मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और कृष्ण पूजा देवी की पूजा की तैयारी कर रही है। तो उस समय पर पिताजी और माताजी के साथ तर्क करते हुए मानो कृष्ण आज कर्मवाद को स्थापित कर रहे हैं, और कर्म की स्थापना करते हुए क्या कह रहे हैं, बोले बाबा इंद्र पूजा करने की हमें क्या आवश्यकता है, आपकी ये गलत धारणा है कि इंद्र की यदि हम पूजा करेंगे तो वो वृष्टि करेगा, वृष्टि करेगा तो उससे हरी हरी घास होगी और हमारी गैया वहां पर घास में चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखो हमारे ब्रज के प्रत्यक्ष देवता है ये गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि आकाश में जब मेघ आते हैं वो मेघ जब गिरिराज गोवर्धन की चोटी से टकराते हैं तभी जाकर वृष्टि होती है। ये गिरिराज के अंदर ही तो इतने सुंदर सुंदर सरोवर वृक्ष इत्यादि सब विद्यमान है जहाँ पर हमारी गाय पानी पीती है, यहाँ की हरी घास खाकर और हमारी गाय चलती है, सब गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ गिरिराज के फल वृक्ष इत्यादि से ही हम ब्रजवासी भी हमारा भरण पोषण करते हैं। तो गिरिराज हमारे प्रत्यक्ष देवता है, हमें किसी इंद्र पूजा की करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बोलो। तो हमें किसी इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्र तो स्वयं बाध्य होकर वृष्टि करता ही है, वो तो भगवान के आदेश से करता है ना। इस प्रकार मानो कृष्ण कर्मवाद की स्थापना कर रहे थे, सब कृष्ण की बातों में आ गए, कृष्ण जिनकी बुद्धि घुमाना चाहे उसका क्या नहीं होगा। तो सब ब्रजवासियों ने तय कर लिया कि हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम कल गिरिराज पूजा करेंगे। जब गिरिराज गोवर्धन की अगले दिन पूजा हुई उससे गिरिराज बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने स्वयं साक्षात दर्शन दिए, और गिरिराज जी जो जो भी ब्रजवासी भोग बनाकर लाए थे गिरिराज जी उसे ग्रहण कर रहे थे। ग्रहण करने के पश्चात इंद्र का जब कोप हुआ, इंद्र के कोप से उन्होंने वृष्टि करी, तो वृष्टि करने पर सभी ने वापस कृष्ण के पास गए, बोले कन्हैया हमने तुम्हारी बात मानी थी, तुम्हारी बात मानकर देखो कृष्ण इंद्र कितना रुष्ट हो गया है, और मानो इस वृष्टि से इतनी मूसलधार वृष्टि हो रही थी मानो हाथी के सूंड से पानी बरस रहा, इस वृष्टि से वो पूरे ब्रज को तहस नहस कर देगा, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। इंद्र कहने कृष्ण यहाँ पर कहने लगे देखो हमने पूजा करी है गिरिराज की, किसकी करी, गिरिराज, तो गिरिराज ही हमें शेल्टर देंगे, गिरिराज ही हमारा हमें आश्रय देंगे। तो सब लोग गए श्री गिरिराज गोवर्धन के पास में, और कृष्ण ने मानो एक छोटा बालक जैसे चतुर्मुर्ग उठाता है ना बारिश के सीजन में जो सांप की छतरी होती है, जैसे एक छतरी उठाकर खेल खेल में गिरिराज उठा लिया कृष्ण ने,
और सभी ब्रजवासियों को आह्वान करते हुए कृष्ण बुला रहे, बोले आओ सब इस गिरिराज की तलेटी में आ जाओ। तो उसी समय पर सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की शरण ली और वहां पर नाच गान उत्सव प्रारंभ हो गया। सब वापस कीर्तन करने लगे और कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर रखा है। तो वो जो कृष्ण का सुंदर स्वरूप था, वो जो दर्शन था, वो ही दर्शन आप इस श्री विग्रह में देख रहे हैं जिसकी स्थापना श्री बज्रदेव ने करी थी। ये हमारे हम सुन रहे थे किस प्रकार हमारी गिरिराज परिक्रमा के साक्षी हैं। अगर कोई गिरिराज परिक्रमा करे लेकिन हरिदेव जी के दर्शन ना करे तो उसकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे एंट्री करते हैं ना रजिस्टर में, तो मानो हरिदेव हम लोग की एंट्री कर रहे हैं कि आज हम गुरु जी के साथ में इतने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे हृदय में जो भी इच्छा हो। अभी हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार गिरिराज परिक्रमा करने वाले भक्त के पीछे 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 कृष्ण भी धावित हो जाते हैं। कृष्ण भी सोचते हैं मनी मन की ये क्या इच्छा करे, इसकी इच्छा करने मात्र से ही मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। लेकिन हम लोग की इच्छा क्या होनी चाहिए? इस जड़ जगत की संसारिक वस्तु को ना मानते हुए केवल मात्र गुरु वैष्णव का संग प्राप्त होता रहे, केवल मात्र, क्योंकि हमारा प्रयोजन है भक्ति प्राप्त करना। लेकिन वो होगा कैसे? एकमात्र साधु संत के माध्यम से। इसलिए यदि मांगना कुछ है तो पुत्र परिवार धन दौलत इत्यादि तो गिरिराज जी अनायास ही प्रदान कर देते हैं, लेकिन हम सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगेंगे हरि गुरु वैष्णव का संग, उनकी सेवा, ब्रज भक्ति, यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। वांछा को कृष्ण प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कौन हरे कृष्ण आगे बोल दादा ब्रजराज बाबा की जय। जोर से बोलो ब्रजराज महाराज की जय। अभी जो आप लोगों ने ठाकुर दर्शन किया है, ये ठाकुर यहीं पर ही खड़े होकर के उन्होंने अपना कनिष्ठ अंगुल को पर उन्होंने गिरिराज को धारण यहीं पर उन्होंने किया है। इसलिए ये गिरिराज इनका नाम श्री हरिदेव है। क्या नाम है? हरिदेव है। तिबु क्रीड़ायाम जो सुंदर सुंदर लीलाओं को जो क्रीड़ा रूप में प्रकाश करते हैं वो श्री हरिदेव। लेकिन जिस पोज में खड़े हुए कैसे, एक हाथ तो ऐसे उठाया और दूसरे हाथ को कमर ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या? कृष्ण क्या कहते हैं? कोई कहते हैं ना, अरे ये भवसागर को पार होना बहुत कठिन है। हम बोलते हैं ना, ये भवसागर को पार होना बहुत कठिन है। लेकिन दूसरे तरफ में हाथ ऐसे लगाया। लेकिन अगर कोई कृष्ण का शरण में आ जाए ना, ये जो भवसागर पार होना बहुत कठिन है, अगर कोई कृष्ण का नाम को, अगर कृष्ण का रूप गुण को कोई आश्रय करे वो भवसागर से आसानी से ही पार हो जाएगा। इसलिए ये पोज में जैसे पानी बहुत गहरा है, लेकिन अगर ठाकुर का आश्रय किया तो पानी कहाँ तक? कमर तक आ जाएगी। मतलब ये संसार को तुम चलते चलते ही भवसागर से तुम पार हो जाओगे। अभी प्रश्न होता है ये कृष्ण गिरिराज को क्यों धारण किए? तब हमारे गोस्वामियों ने इसके पीछे चार कारण बताए। कितना कारण होता है? क्या किया? पहला कारण है कहते भैया जगत में तो 33 करोड़ देवता है, कितने को खुश करोगे? दिन में अगर 1 करोड़ को पूजा कर दो, एक महीना में कितना हो जाएगा? 30 करोड़। अब फिर 3 करोड़ बाकी रह गया ना, एक को मनाओगे तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा हैं। लेकिन अगर कोई अगर गिरिराज की शरण में आ जाए, ये गिरिराज कौन है? ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, कहते ये ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले बताया था ना, इन लोगों ने कठोर तपस्या की। जब राधा कृष्ण प्रसन्न हुए बोले वरदान मांगो, बोले प्रभु आपकी हम सेवा पाना चाहते हैं। बोले कहाँ पर? बोले ब्रज में अगर हम पहाड़ रूप में प्रकट हो जाए, अगर हमारे सर के ऊपर अब लीला करे, अपना चरण स्पर्श पा करके जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना बन करके प्रकट हुए ब्रह्माचल पर्वत, जो नंदीश्वर गए थे नंदगांव, वो स्वयं शंकर जी। ये जो गिरिराज गोवर्धन ये कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु। बोले गिरिराज महाराज की जय। पहला स्वरूप। दूसरा स्वरूप क्या है? कृष्ण तो स्वयं एक स्वरूप में गिरिराज की पूजा की और एक स्वरूप में गिरिराज रूप धारण किया। ये गिरिराज और कोई नहीं, ये गिरिराज स्वयं कृष्ण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, उनको उन्होंने दो चीज दिया था, एक गुंजा माला और एक गिरिराज शिला। रघुनाथ ये जो गुंजा माला ये कृष्ण है, ये श्री राधा रानी, और जो गिरिराज शिला दे रहा हूँ ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए दूसरे स्वरूप में ये कृष्ण,
कहती ये तीसरे स्वरूप में ये कौन है, राधा रानी खुद कहती है, महाप्रभु स्वयं कहती है, मलहंताय अद्रियवला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरणा स्पर्शम प्रमोदम। कहती है हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास है भगवान की सबसे बड़े भक्त है श्री गिरिराज, क्योंकि कृष्ण इनकी कंदरा कंदरा में कुंज कुंज में गिरिराज में लीला करते हैं, यहीं पर सुंदर झरना की पानी पान करते हैं, फल मूल गिरिराज से मिलता है, और बड़े सुंदर यहाँ पर मधु जैसे भगवान को पंचामृत से स्नान करते हैं, बड़ी सुंदर मधुमक्खी की छत्ता यहाँ पर गन्ने से जूस निकल करके स्नान कराते हैं, गैया घास खा करके दूध देते हैं, दूध से दही घी मक्खन सब दूध से होता है, इसलिए गिरिराज सुंदर सुंदर घास दे करके उन्होंने कृष्ण की गैया को पालन करते हैं गिरिराज। और कृष्ण जब चलते हैं ना, जैसे कहते इसमें जो घास घास नहीं, जैसे हमारे शरीर में रोंगट खड़े हो जाए, जब कृष्ण चलते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर गिरिराज के रोंगट खड़े हो जाते हैं, और जो झरना बल्कि ये झरना नहीं, जैसे बहुत कोई आत्मविभोर हो जाए, प्रेम में विभोर हो जाए, जैसे आंखों से आंसू बहती है, ये झरना नहीं कि गिरिराज गोवर्धन की आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए गिरिराज कंदरा कंदरा में सुंदर सुंदर गिरिराज में बड़ी सुंदर लीला करते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए कहती है हरिदास में सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन। कहती ये पहाड़ क्यों है, अगर ये भगवान की सबसे बड़े भक्त ये पहाड़ क्यों हुए, इसका दो कारण बताया। पहला कारण बताया कृष्ण कुंज कुंज में कोंदरा कंदरा में लीला करते हैं गोपियों को साथ में राधा रानी को साथ में, जैसे हम लोग बाथ रूप में स्नान करते हैं, जब बाथ रूप में स्नान करते हैं हमें पता है चारों तरफ दीवार है, कोई है नहीं, पत्थर पत्थर में थोड़ी सी कोई सेंस है, हम जैसे चाहते हैं वैसे स्नान कपड़ा बदलाना कर देते, क्यों पता है ये पहाड़ पत्थर है। इसी तरह गिरिराज ने देखा अगर मैं साक्षात रूप में प्रकट रहूंगा ना क्या होगा, फिर तो कृष्णा कुंज कुंज में ये लीला नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं गिरिराज जी पहाड़ हो गए। दूसरा रूप है कहते भगवान जब गिरिराज गोवर्धन को परे में उन्होंने विहार करते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे स्तंभ, प्रेम का आठ विकार है कि स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है जैसे एकदम पहाड़ जैसे पत्थर बन जाए, कोई एकदम प्रेम में विभोर होकर के स्तंभ हो जाते हैं, इसलिए गिरिराज जी ये पत्थर है। अब कोई भी गिरिराज के टुकड़े को उठाना, उठा करके आप देखना जरूर कृष्ण का कुछ ना कुछ चिन्ह होगा, कहीं चरण चिन्ह होगा, कहीं कृष्ण की, कहीं गोपाल लड्डू गोपाल की, कहीं श्रीनाथ जी की, कहीं राम की, कभी नरसिंह की, अब कोई भी एक शिला उठा कर गिरिराज की देख लो, जरूर किसी ना किसी रूप में कृष्ण का कोई चिन्ह उसमें देखेगा। और जो प्रेम से इनकी सेवा करेगा ना, प्रेम से अगर उनको कोई सेवा करे, इसमें अलग अलग रूप दिखेगा, कभी राम कभी कृष्ण कभी नरसिंह भगवान, जिस रूप में भाव से सेवा करोगे ये गिरिराज के रूप बदलाते रहते हैं, हैं? इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा क्यों, कारण क्या, बोले विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की जो पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसकी पूजा की, गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, सारा दुनिया इस बांके बिहारी की परिक्रमा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, ये गिरिराज गोवर्धन को, उन्होंने सारी ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण स्वयं ये गिरिराज की परिक्रमा श्री कृष्ण स्वयं की, बोले गिरिराज महाराज की। इसलिए पहला कारण उन्होंने बताए, क्या पहला कारण है, भैया इधर उधर देवादेवी की पूजा मत करो, पूजा करो तो झोली फैलाओ, तो किसको सामने झोली फैलाओ, बांके बिहारी गिरिराज से झोली फैलाओ, ये तुम्हारी झोली को गिरिराज भर देगा। हम जा रहे थे यहाँ पर कोई एक भक्त है, हम गए थे कहाँ पर, हम गए थे केदारनाथ, हाँ हम गए थे केदारनाथ में गए थे, एक व्यक्ति शिला के ऊपर शिला रख रहे थे, मैंने कहा भैया शिला के ऊपर शिला क्यों रख रहे हो, नियम है ये इतना महिमा है ब्रज की, जितने शिला के ऊपर शिला रख दो ना उतना मंजिली मकान गिरिराज दे देता, उतना मंजिली मकान दे देता है, आप देखना गिरिराज में जा करके शिला के ऊपर शिला रखा हुआ है, हैं? इसलिए एक बड़ोतु के एक भक्त है, ये सही घटना बता रहा हूँ, हम जब पहली बार हम गए थे उसको घर में, उसकी एक मंजिल था, लेकिन जब दूसरे तीन चार मंजिल मकान, मैंने कहा भैया तुम्हारी एक साल में चार मंजिल मकान कैसे बना दिए, बोले बाबा सच बताओ, बोले बताओ, बोले मैं गिरिराज जी परिक्रमा लगाने गया था, और वहाँ पर जो गिरिराज शिला है ना, शिला के ऊपर चार महीने ये गिरिराज की शिला के ऊपर चार शिला रख दिया, तो उसने किया हुआ पता नहीं, एक रोड कहीं जाने का था, लेकिन वो रोड हमारी जमीन को बीच में चला गया, और इतने पैसा मिला सरकार से, इतना पैसा हमको गिरिराज ने हमारी झोली गिरिराज ने भर दिया,
हाँ अभी यहाँ पर भी कोई भक्त है, हाँ कोई होगा। जब मैं कल जब हम जा रहे थे बद्री केदारनाथ में, कोई शिला पर शिला रख रहा था, मैंने कहा इतना मंजिल मकान चाहिए, मेरे साथ कोई भक्त यहाँ पर होएंगे। उसने बोले बाबा हमने कभी गिरिराज गया था और तीन गिरिराज शिला के ऊपर शिला रख दिया आ गया ना, मेरे इतने घर है मेरे को पता नहीं हमारे कितना प्रॉपर्टी अभी है। ये जो गिरिराज गोवर्धन है ना, इसको इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब गिरिराज गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज यहाँ पर कौन भक्त मेरे को जो बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे ना, देखो पीछे बैठे, इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, ये ठाकुर जी कृष्ण उनको पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं, ठाकुर जी स्वयं उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? इतने कठिन से मेरे परिक्रमा कर रहे हैं, इसी मेरे से क्या मांगेगा, क्या मांगेगा हमसे। ठाकुर जी उसी समय में उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। समस्त इच्छाओं को जो पूरी करते कौन? गिरिराज गोवर्धन। इसलिए ब्रज का जो देवता है ना गिरिराज बाबा, और यहाँ पर कोई गुजर लोग होंगे इनका भी देवता श्री गिरिराज बाबा है। ये लोग गिरिराज भाई गुजर लोग, कौन कौन गुजर लोग यहाँ बैठे हो, हाथ उठाओ गुजर, कौन गुजर? हाँ इनका जो देवता है गिरी, ब्रज का और कोई देवता नहीं है। कल जब हम गए थे एक ब्रजवासी हमारे साथ में चल रहे थे, बोले बाबा हमारी कुछ भी ब्रज में कुछ होगा सबसे पहले हम गिरिराज की परिक्रमा लगाने जाएंगे, गिरिराज की भोग लगाते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि समस्त इच्छा को ये गिरिराज हमारी पूरी करते हैं। इसलिए कहते भैया झोली फैलाओ तो साधारण देवता को पास में झोली फैला मत करो, इसलिए फैलाओ तो श्री गिरिराज को पास में फैलाओ जो तुम्हारी झोलियों को भर देंगे। लेकिन गुरुदेव औरिय के बात कहते थे ये धन दौलत पुत्र परिवार को तो ये आसानी से दे देते हैं, लेकिन अगर इनसे भक्ति मांगो ना ये गिरिराज सोचने पड़ जाते हैं। क्यों? बोले भक्ति देने से इनकी वशीभूत होना पड़ेगा। अगर कोई निष्कपट रूप में गिरिराज से भक्ति मांगे, गिरिराज वो चीज भी गिरिराज जी प्रदान कर देते। इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए दूसरा कारण क्या है, उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करा के गिरिराज की पूजा कराई। दूसरा कारण बताए, ब्रजवासियों को मन में इच्छा थी, कृष्ण के मन में हम 7 दिन तक इकट्ठे होकर के हम लोग उत्सव करें। बोले जब हम गिरिराज धारण करेंगे सबके सब गिरिराज की तलहटी में आएंगे। अब सबके सब गिरिराज की तलहटी में आ गए, जब तलहटी में आए जिस गोपियों से राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण को बहुत ही कठिन होता था, लेकिन अभी गोपियां राधा रानी सामने आ गई, क्यों बारिश हो रही आना पड़ेगा। इतने में से राधा रानी आ गई, ए राधा रानी को दर्शन करते कृष्ण तो डगमगाने लगे, क्यों राधा रानी की प्रेम ऐसे है ऐसे। इतने में सखाओं ने बोले कन्या किधर देख रहे हो, इधर उधर मत देखा, अगर देख रहे हो ना गिरिराज तलहटी में संपूर्ण ब्रजवासी, अगर गिरिराज गिरेगा तो सब सब पीस जाएंगे, इधर उधर मत देखा करो। इतने में राधा रानी को देख रही थी, इतने सुंदर राधा रानी, इतने में राधा रानी अपना कपड़े से अपना मुंह को शरीर को ढक दिया, क्यों कृष्ण गिरिराज धारण करके रखे इसलिए इधर उधर कुछ नहीं हो जाए। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज ऐसे रखे थे, सखाओं ने आकर के सब डंडा टिका दिया, बोले कन्या तू कब तक गिरिराज को धारण करोगे, थोड़ा सर थोड़ा हाथ को नीचे रख लो। कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासियों तुम लोग से गिरिराज उठेगा नहीं। बोले क्यों? तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने दूध नहीं पिया, हमने भी मैया की दूध पी, इसलिए हाथ नीचे कर दो, इसलिए कोई चिंता मत करो हैं। इसलिए कृष्ण जब हाथ थोड़ा नीचा किया ना, ओ गिरिराज नीचे आने लग गए और तो डंडा लगा कर रख दे, डंडा तो टूटना शुरू हो गया। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज उठा ले। बोले गिरिराज बाबा की। और जो तीसरा कारण था, तीसरा कारण था इंद्र के मन में अभिमान हो गया, मैं ब्रज का राजा मैं हूँ, अगर मैं पानी नहीं दूंगा तो ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे, क्यों इनका मूल धन गया है, अगर पानी नहीं दूंगा तो क्या घास कहाँ से उगेगा, घास खा करके गया तो दूध दही जो कुछ उनका गोधन है। इसलिए इंद्र के मन में अभिमान था। कृष्ण ने कहा किया तेरे को बताइए ब्रजवासी कौन है, अगर नंद बाबा अगर बोलते लाला कन्हैया मेरे खड़ाओं ले आ, कृष्ण ठुमू ठुमू करके जाते हैं, खड़ाओं को हाथ में नहीं सर पर रख करके आते हैं। नंद बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हैं, देखो मैंने खड़ाओ बोले लाने के लिए तो हाथ में नहीं सर पर लेकर के आ रहे हैं, जो बड़ा होगा ना पिता माता की बड़ी सेवा करेगा। कहते जिनकी खड़ाओं को जिनकी चरणों को मैं सर पर धारण करता हूँ, कहते तुम्हें पता है ये ब्रज की कितने महिमा, ये ब्रज की एक धूल में इतने महिमा है, कितने इंद्र चंद्र को, कहते इंद्र कौन बनता है, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करने से कोई इंद्र बनता है, लेकिन ये ब्रज रज की इतने महिमा, करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी
ब्रज का एक धूल भी पाना कठिन है, तुम्हें पता नहीं ये ब्रज क्या है, कितने ऐसे इंद्र चंद्र प्रकट करने वाले ये ब्रज रज है, अभी तुम्हारी अभिमान हो गया, अभी तेरे को मजा चका था। इसलिए उन्होंने कृष्ण क्या किया, इंद्र की पूजा बंद करा के उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराया। जो सर्वश्रेष्ठ कारण है गिरिराज उठाने का, कारण क्या है, अभी कृष्ण रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन रास का अकेले नहीं कर सकते जब तक ब्रज गोपियां नहीं हो, हैं? अभी सोच रहे हैं ये ब्रज गोपियों को मैं आकर्षण कैसे करूं। उदाहरण दिया, जैसे कोई एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो क्या करता है, हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा, उनके साथ में खूब मारपीट करेगा, मारपीट कर सबको हरा देगा। वो हीरोइन देखा बाबा ने तो बड़ा बलवान है, हाँ बड़ा ताकतवान है, वो हीरोइन अपने आप आकर्षित हो जाता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं हीरोइन को राधा रानी ब्रज की गोपियां कृष्ण हीरोइन, अब ये हीरोइन को कैसे आकर्षण करे, रास कैसे हो, इसलिए कृष्ण ने दो लीला की है। पहला लीला तो उन्होंने श्री कालियों के सर के ऊपर नृत्य की, जब कालियों को कृष्ण ने कहा देखो बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नाचते हुए, कोई गिलासिया पर नाचते हैं, कोई है सर पर कलश लेकर नाचते हो, कभी तुमने देखा कभी सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य करता है। कालियों का 100 स्वर था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, कृष्ण नृत्य कर रहे थे, जिसको देख करके सूरदास क्या कहते हैं, बोले तांडव गति मुंडन परना चतगिरिधारी, तांडव गति मुंडन परना हमने बड़े बड़े कलाकार देखे, भैया सांप के सर के ऊपर नाचते हुए किसको देखा नहीं, इनकी मान प्राण चित्त तो कृष्ण ने एकदम पूरा कर ला लिया। दूसरा क्या बहादुर दिखाया, गिरिराज गोवर्धन धारण किया, कितने साल में कृष्ण, 7 साल, गिरिराज कितने बड़ी, 7 क्रोध, कितने साल में उठाए, 7 दिन में, कौन सा हाथ में, बाम हाथ में, कौन सा अंगुल में, सबसे छोटे अंगुल में, बोले कैसे, बोले नख के ऊपर में, किसको ऊपर में, नख के ऊपर में गिरिराज धारण किया, बोले गिरिराज बाबा की जय। कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया, ये ब्रज गोपियों ने देख देख बोले बाबा रे तो बड़ा बलवान है, हाँ बड़ा पहलवान है। इसलिए उन्होंने समस्त गोपियों को हृदय को राधा रानी के हृदय को उन्होंने चोरी कर ली, फिर इसको बाद में ठाकुर जी रासलीला की, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ लीला ठाकुर जी की ये रास लीला है, इसलिए इनका नाम गोवर्धन, क्या नाम है, गोवर्धन मतलब क्या, गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब गोपी, गो मतलब गैया, गो मतलब बछड़ा, गो मतलब बैल, गो मतलब पृथ्वी, वर्धन मतलब होता है जो समस्त का इंद्रियों को जो सेवा करने वाले और सर्वश्रेष्ठ रूप में जो कृष्ण की सेवा करने वाले, इसलिए इनका नाम गोवर्धन। बोले गिरिराज इनका नाम, बोले गिरिराज क्यों, बोले जितने पर्वत में जैसे अलग अलग पर्वत, शिव पर्वत, ब्रह्माचल पर्वत, सखीगिरी पर्वत, लेकिन कृष्ण बांके बिहारी कौन है, समस्त ईश्वर का भी ईश्वर श्री बांके बिहारी कृष्ण है, ये गोवर्धन कौन है, स्वयं बांके बिहारी, इसलिए इनका नाम गिरिराज, मतलब जितने गिरियों में जो राजा, क्योंकि कृष्ण जैसे समस्त देवताओं में, समस्त अवतार में अवतार जैसे कृष्ण, ये गिरिराज स्वयं कृष्ण है, इसलिए इनका नाम श्री गिरिराज, गिरियों में जो राजा है ये श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए हम लोग ये जो ठाकुर जी है ये कौन है, ये गिरिराज का ही ये रूप है, ये गिरिराज का ही रूप है, यही गिरिराज की असली स्वरूप यही है, और यही पर कृष्ण खड़े होकर गिरिराज उठाए थे, इसलिए हम श्री गिरिराज की तलेटी में आए, गिरिराज से प्रार्थना करें ठाकुर जी हमारी इच्छा भी पूरा करो, क्या पूरी करो, ठाकुर के चरण में भक्ति, उनकी सेवा और उनकी प्रेम प्रदान करें, अगर भक्ति प्रेम मिल गया ना, धन दौलत पुत्र परिवार तो अपने आप मिल जाएगा, इसके लिए कोई चिंता की कोई बात नहीं, अगर ठाकुर जी मिल गए तो बताओ क्या नहीं मिल गया, बताओ सब कुछ तुम्हें मिल गया। अभी जहाँ पर जिस कुंड में आचमन लेकर का ये मानसी गंगा है,
तभी ब्रजवासियों के मन में इच्छा हुई हम गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। कृष्ण ब्रजवासियों को यहीं पर लाए, अपना अपना मन से उन्होंने ये मानस गंगा को प्रकट किया है। कल हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री गए ना, इसका तात्पर्य यह है अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेना आपको फिर कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। जैसे कृष्ण समस्त कारणों का जैसे कारण है, समस्त पृथ्वी का जितने उद्गम स्थल तीर्थ का कौन है, ये ब्रज भूमि। क्योंकि ये ब्रज भूमि ही कृष्ण स्वयं ही ये ब्रज भूमि रूप में प्रकट हुई है। राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन कहते प्रकृत है मनसा जात, इसलिए राधा जी के हृदय से ही ये गिरिराज ब्रजभूमि ये राधा रानी के हृदय से ही समस्त प्रकट हुए हैं। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हम लोग जो कि आप लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं और उसके अंतर्गत श्री गिरिराज गोवर्धन की हम परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कीर्तन करते करते परिक्रमा करते करते हम लोग उद्धव कुंड जाएंगे, जहाँ पर उद्धव घास बन करके वो भी ब्रज गोपियों की राधा जी के चरण की धूल की प्रार्थना के लिए बैठे हैं। उसको बाद में फिर दाल बाटी चूरमा हम लोग प्रसाद। ठीक है, बोले श्री गिरिराज महाराज की।